हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है। समझने वाले हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है एक एग्जांपल के साथ। लेकिन ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंट पैटर्न्स क्या होते हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब तो हमें पता है ना, जो बार बार अकर होता है। लेकिन पैटर्न में भी दो चीजें आती है। पैटर्न एक तो एटम सेट हो सकता है या फिर सिक्वेंशियल पैटर्न हो सकते हैं। सो फ्रीक्वेंट एटम सेट क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीक्वेंट एटम सेट। समझ लो आप एक ग्रोसरी शॉप में चले गए, तो ग्रोसरी शॉप में आपने जो उनकी ट्रांजेक्शन देखे, मतलब देयर इज अ ट्रांजेक्शन डेटाबेस विच अ ग्रोसरी शॉप वुड बी हैविंग, कि इस यूजर ने क्या बाय किया, दूसरे यूजर ने क्या बाय किया, तीसरे यूजर ने क्या बाय किया। इस तरीके से सारे यूजर्स की ट्रांजैक्शंस डेटाबेस आपके पास होगा। अगर आप उस ट्रांजैक्शन को गौर से देखोगे तो मिल्क ब्रेड ये दोनों एक साथ सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑफ सारे के सारे ट्रांजेक्शन में अकर हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मिल्क और ब्रेड एक साथ एक सेट फॉर्म करते हैं जो कि एक एटम सेट हो जाता है। और ये जो एटम सेट है मेरा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, इसका अकरेंस हर एक ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा है। सो व्हाट वी कैन से, हर कस्टमर जो भी आ रहा है, जो भी खरीदना चाहता है ग्रोसरी में से, वो मिल्क और ब्रेड को एक साथ खरीदता है। ओके, सो दिस इज माय आइटम सेट व्हिच इज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा है कहां पे, मेरे ट्रांजेक्शन डेटाबेस में। तो आइटम सेट तो समझ में आ गया, लेकिन फ्रीक्वेंट सीक्वेंशियल पैटर्न क्या है। तो मैं उस ग्रोसरी शॉप से बाहर निकला और कहां जाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाता हूं। अभी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में क्या होता है, कंप्यूटर, एंटीवायरस, बहुत सारी चीजें होती है, बराबर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी सीक्वेंशियल पैटर्न को समझते हैं। फ्रीक्वेंट सीक्वेंशियल पैटर्न मतलब क्या, मैं वहां पे भी गया और वहां के ट्रांजेक्शन आईडी जो है मैंने वहां पे देखा, तो ट्रांजेक्शन डेटाबेस जो था हर एक कस्टमर से रिलेटेड वो मैंने देखा। तो उधर मुझे समझ में आया भाई कि सीक्वेंशियल पैटर्न क्या होता है। सीक्वेंशियल पैटर्न मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द कस्टमर इज बाइंग द कंप्यूटर एंड देन बाइंग द एंटीवायरस। समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल द कस्टमर इज बाइंग द कंप्यूटर एंड देन द एंटीवायरस। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक सीक्वेंस। तो ऐसा भी हो सकता है इट इज बाइंग द कंप्यूटर देन एंटीवायरस देन सम हार्डवेयर देन सम सॉफ्टवेयर एंड देन गेम्स। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे जितने भी मैंने ट्रांजेक्शन डेटाबेस देखे उसमें जितनी बार भी ये जो मेरा सीक्वेंस है ये कई बार रिपीट हो रहा है। क्या कौन सा सीक्वेंस, कंप्यूटर, फिर उसके बाद एंटीवायरस लिया, उसके बाद कोई हार्डवेयर लिया, उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर लिया, उसके बाद गेम्स लिए। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस मैंने बताया ये बार बार रिपीट हो रहा है कई सारे ट्रांजेक्शन्स में, बहुत बार रिपीट हो रहा है मेरे ट्रांजेक्शन डेटा बेस में। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे सीक्वेंशियल पैटर्न को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बड़ा फ्रीक्वेंट है, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है मेरे ट्रांजेक्शन डेटा बेस में। सो देयरफॉर दिस सीक्वेंशियल पैटर्न इज वेरी मच फ्रीक्वेंट। तो अभी फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या होता है वो तो समझ लिया, लेकिन अभी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि इसके हेल्प से हम लोग इस मार्केट बास्केट एनालिसिस को समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट बास्केट एनालिसिस की जरूरत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके शॉपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा, यू नो, इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर देम। क्यों? बिकॉज उनको समझ में आएगा कि व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ देयर कस्टमर, उनके कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है, कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्या है, कस्टमर चाहते क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। अगर ये शॉपर को पता है कि फ्रीक्वेंट आइटम्स क्या है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स क्या है, तो वो कई सारी चीजें कर सकता है। वही अभी हम लोग देखने वाले हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस में कि वो क्या-क्या कर सकता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सी, अगर मैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स की बात करता हूं तो क्या होगा कि जहां पे भी मिल्क एंड ब्रेड है, ओके, सो मिल्क एंड ब्रेड एक ऐसा आइटम सेट है जो कि बार-बार, ओके, बाय किया जा रहा है कस्टमर से एक साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क और ब्रेड को दोनों को एक साथ रख सकते हैं, बराबर, जो शेल्फ पोजीशन है, मतलब पोजीशनिंग ऑफ एटम्स इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ द एटम्स आर रेगुलरली बायड, उनको कुछ इस तरीके की पोजीशन दे देंगे, उनको कुछ इस तरीके से शेल्फ पे रख देंगे कि दोनों एक साथ एक ही व्यू में हमें उस कस्टमर को दिखेंगे और वो दोनों को हर बार बाय करेगा, दैट उससे सेल्स बढ़ेगा। सो दिस इज वन टर्म, ओके, दैट वी कैन यूज बाय यूजिंग द एटम सेट्स। एक और चीज है, हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जैसे मैं ग्रोसरी से निकला वापस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, तो वहां पे क्या है, मैंने वो जो ग्रोसरी शॉप वाला बंदा था उसने सीक्वेंशियल पैटर्न पहचान लिया। क्या कर दिया उसने, सीक्वेंशियल पैटर्न पहचान लिया। उसको पता है कि पहले लोग कंप्यूटर खरीदते हैं और फिर एंटीवायरस खरीदते हैं, तो उसने क्या किया, लेकिन ये केस हर बार नहीं था। सी, देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन ऑलमोस्ट एंड ऑल, देयर इज अ डिफरेंस ना। तो ये क्या बताता है, सबसीक्वेंस पैटर्न्स जो फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं वो ऑलमोस्ट के केस में डील करता है। ऑलमोस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग कि 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंटेनिंग दैट सीक्वेंस, नो, इट मे बी 90-91% ऑफ द सीक्वेंसेस विल बी दीस। तो अभी वो क्या सोचेगा, वो बंदा जो शॉपर है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो बैठा है, वो बंदा क्या सोचेगा, मुझे 90% से 100% मिलाना है, मतलब हर कस्टमर ने कंप्यूटर के बाद एंटीवायरस खरीदना ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, एंटीवायरस के ऊपर सेल रख देगा। सेल मतलब डिस्काउंट, कि समझ लो यार,
डिस्काउंट इन द सेंस 10% 20% 30% का डिस्काउंट रख देगा। मतलब कंप्यूटर के बाद एंटीवायरस, फिर हार्डवेयर, फिर कोई सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर के ऊपर भी 20-30% डिस्काउंट रखेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी यू नो 40-50% डिस्काउंट रखेगा, गेम्स के ऊपर थोड़ा और परसेंट डिस्काउंट रखेगा। तो वो क्या चाहता है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस कई बार अकर हो एंड इट शुड रीच ऑलमोस्ट टू 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर अभी 90% ट्रांजेक्शन में है तो वो 100% ट्रांजेक्शन में जाना चाहिए ताकि उसकी सेल्स बढ़े, ताकि उसकी खरीदारी जो भी वो बेचना चाहता है वो बढ़े। So, इससे क्या हुआ, he has analyzed what market needs, what customer needs। तो इससे हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो उनको ऐसा सेल्फ पोजीशन दो, शेल्फ पोजीशन दो ताकि वो कस्टमर के व्यू में आए और वो you know, they can just buy it at once, okay, and at one shot they can buy it। दूसरी बात क्या कि डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट। लेकिन अभी जो तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी पहली बात का अपोजिट है। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, कंप्यूटर, सो फॉर सीक्वेंशियल पैटर्न व्हाट वी कैन डू, कंप्यूटर को स्टोर्स के एक एंड पे रखो और एंटीवायरस को स्टोर्स के दूसरे एंड पे रखो। डू लाइक दिस, अगर शॉपर को पता है, इलेक्ट्रॉनिक का जो दुकानदार है उसको पता है कि कंप्यूटर के बाद लोग एंटीवायरस खरीद रहे हैं, तो व्हाट यू कैन आल्सो डू, एक और चीज आप कर सकते हो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, व्हाट यू कैन डू, एक यहाँ पे ऑन द वन साइड और वन कॉर्नर ऑफ योर शॉप यू कैन प्लेस द कंप्यूटर, एंड ऑन द अदर कॉर्नर ऑफ द शॉप You can place antivirus। आप antivirus रख सकते हो। तो अभी आप सोचोगे इतना बड़ा distance क्यों रखा है? Distance इसलिए रखा है क्योंकि shopper को पता है कि ये जो sequence है कई बार repeat हो रहा है, तो उसको इतना guarantee है कि customer after buying this computer it is going to walk to the other side of the store and buy the antivirus। तो उसके दौरान वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे हार्डवेयर रखेगा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रखेगा, कुछ ऐसे गेम्स रखेगा कि ऑब्वियसली जिसने बंदे ने कंप्यूटर लिया है जब वो चलता हुआ जाएगा ऑन द अदर एंड ऑफ द स्टोर उसको दिखेगा, उसको हार्डवेयर दिखेंगे, उसको सॉफ्टवेयर दिखेंगे, उसको गेम्स दिखेंगे। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जब तक वो एंटीवायरस तक पहुंचे दैट इज ऑन द अदर एंड ऑफ द स्टोर वो बाकी सब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और गेम्स को भी परचेस करे, खरीदे। तो इससे भी क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग और This is the actual implementation of market basket analysis। और इसके लिए आपको frequent pattern समझना बहुत जरूरी है। तो I hope दोस्तों ये video आपको पसंद आया होगा, informative लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। बड़े आसान सब शब्दों में मैंने बताया कि market basket analysis का implementation कैसे होता है with using this pattern frequent using this word frequent patterns। दोस्तों अगर ये video आपको पसंद आ गया होगा, आपको informative लगा होगा, तो very important वो तीन बहुत ही बढ़िया magical चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हो। What you can do, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।